सो किड्स ऑन पेज नंबर 48, आज हम पेज नंबर 48 पर एंड यूनिट नंबर 27, यूनिट नंबर 27 पर टॉपिक इज अल्फ़ाबेट सेट साउंड ज, अल्फ़ाबेट सेट साउंड ज। आज हम अल्फ़ाबेट सेट और साउंड ज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले हमारे जो काम है वो हम देख लेते हैं कि इस पेज को पढ़ने से पहले हमने क्या क्या करना है। सो द फर्स्ट वर्क इज स्पेशली फोकस ऑन द पेंसिल ग्रिप, स्पेशली फोकस हम करेंगे पेंसिल ग्रिप पर। नेक्स्ट फर्स्ट जो है हमारी एक्टिविटी, उसमें हम कुछ तस्वीरों को देखेंगे, देन नेक्स्ट फ्लैश कार्ड को, फिर हम अपनी बुक की जानब आएंगे। बुक में से कुछ चीज़ों को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी राइटिंग की तरफ आएंगे जिसमें हमने ट्रेस करना है और राइट करना है। देन नेक्स्ट इन लास्ट मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगी। सो किड्स इन फर्स्ट एक्टिविटी, लुक दिस इज ज़ेब्रा, दिस इज ज़ेब्रा, दिस इज ज़ेब्रा, दिस इज ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को उर्दू में भी ज़ेब्रा कहते हैं। सो किड्स ये बहुत ही खूबसूरत सा एक जानवर है जो हमें ज़ू में दिखाई देता है, जो हमें ज़ू में दिखाई देता है। ज़ू को उर्दू में चिड़ियाघर कहते हैं। जी जब हम लाहौर गए थे चिड़ियाघर, तो हमने इस ज़ू को, ज़ू में इस ज़ेब्रा को लाजमी देखा था। हमने क्या किया था, इस ज़ेब्रा को लाजमी देखा था। सो किड्स नेक्स्ट लुक अ वेरी ब्यूटिफुल नंबर, सो दिस इज ज़ीरो, ये ज़ीरो है। सो दिस इज़ ज़ीरो, ये ज़ीरो है। एंड वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो मीनिंग नथिंग, ज़ीरो मीन्स नथिंग, ज़ीरो का मतलब है कुछ भी नहीं, ज़ीरो का मतलब है कुछ भी नहीं। लुक दिस इज़ ज़ीरो, सो किड्स ज़ीरो। एंड ज़ेब्रास हैज़ बिगनिंग साउंड, एंड द बिगनिंग साउंड इज लेटर सेट साउंड स, लेटर सेट साउंड स, ज ज़ीरो ज ज़ेब्रा। सो किड्स नेक्स्ट मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लैश कार्ड है, और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर बनी हुई है। जी लुक दिस इज़ ज़ेब्रा, ये ज़ेब्रा है, ये ज़ेब्रा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से खड़ा हुआ एक ज़ेब्रा, ये बहुत ही खूबसूरत सा एक ज़ेब्रा है। जी और नेक्स्ट नीचे देखें, नीचे कुछ लाइंस है जो ज़िगज़ैग बनी हुई है, नीचे कुछ लाइंस है जो ज़िगज़ैग बनी हुई हैं। जी इन लाइंस को, जो ऊपर और नीचे की जानेब बनती हुई लाइंस हैं, इन्हें ज़िगज़ैग कहते हैं, इन्हें ज़िगज़ैग कहते हैं। सो किड्स द ज़िगज़ैग लाइंस एंड द ज़ेब्रा बिगनिंग साउंड, एंड द बिगनिंग साउंड इज लेटर ज़ेड साउंड ज़, लेटर ज़ेड साउंड ज। सो किड्स चले हम इस लेटर ज़ेड साउंड ज़ को मज़ीद नज़दीक से देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये लेटर जेड साउंड ज है, ये लेटर जेड साउंड ज है, इसे लेटर जेड साउंड ज कहते हैं। सो किड्स चले हम अपनी बुक की जानिब चलते हैं, और बुक के अंदर मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास बुक में कौन सी तस्वीरें हैं और हमने लेटर जेड को कैसे लिखना है। चलें तो बुक की जानिब। सो किड्स यहाँ पर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सी बुक है, ये हमारी बुक इनिशियल इंग्लिश की बुक है, यह हमारी बुक इनिशियल इंग्लिश की बुक है, बहुत ही खूबसूरत सी बुक। चलें तो हम इस बुक में से मज़ीद देखते हैं। इस पे आज हम लेटर नंबर 40, पेज नंबर 48 एंड ऑल्सो यूनिट नंबर 27 में अल्फ़ाबेट सेट साउंड स में बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है। चलें तो इस तस्वीर में देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पीछे देखें एक ज़ू का बहुत ही खूबसूरत सा सीन क्रिएट हुआ है, और यहाँ पर एक केज नुमा लगा है जिसका मतलब है कि हमने इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि ये कौन से एनिमल हैं, ये वाइल्ड एनिमल है, ये पालतू एनिमल पेट एनिमल बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हमें इनके नज़दीक बिल्कुल भी नहीं जाना। एंड दीज आर ज़ेब्रास, और ये ज़ेब्रास हैं, और ये ज़ेब्रास हैं। लोग ज़ेब्रा के ऊपर कितनी खूबसूरत सितारियाँ हैं जो वाइट और ब्लैक कलर में हैं, और यहाँ से एक ज़िगज़ैग करता हुआ रोड बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे तक जा रहा है। जी और ये ज़ू है, ये ज़ू है, आगे दो बच्चे हैं जो बहुत ही खूबसूरती तरीके से रोड को क्रॉस करने लगे हैं। क्या प्यारे बच्चों, आपने कभी रोड को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ देखा? अरे इसके ऊपर तो पैदल चलने की भी जगह होती है, जिसे स्पेशल नाम दिया गया है, जिसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहा गया है, जिसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहा गया है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में से पैदल चलने वाले लोग पैदल चलकर उस सड़क को क्रॉस करते हैं। हमें बाएहतियाती से इसे क्रॉस करना चाहिए, बेएहतियाती तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें अपने सिग्नल का वेट करना चाहिए। लुक इन फर्स्ट
इन लेफ्ट साइड दिस इज़ नंबर ज़ीरो, ये नंबर ज़ीरो है, ज़ीरो 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 नंबर ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स नथिंग, ज़ीरो का मतलब है कुछ भी नहीं। सो किड्स, आपने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें देखी। सो द फर्स्ट इज़ ज़ेब्रा, नेक्स्ट इज़ सिक्स ओ क्रॉड, नेक्स्ट इज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग एंड द लास्ट इज़ ज़ीरो। सो किड्स, इन सब की बिगनिंग साउंड है एंड इट्स बिगनिंग साउंड इज लेटर जेड साउंड ज, लेटर जेड साउंड ज। सो जेड ज ज़ीरो, जेड सा ज़ेब्रा, जेड सा ज़िगज़ैग, जेड सा ज़ेब्रा क्रॉसिंग एंड जेड सा ज़ू। सो किड्स, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इन्हें पढ़ लिया। चलें तो हम मज़ीद इन वर्ड्स को लर्न करते हैं ताकि हमें मज़ीद इन वर्ड्स को पढ़ना आ जाए। सो द फर्स्ट इज़ ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो, नेक्स्ट इज़ ज़िगज़ैग, ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग, नेक्स्ट इज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, नेक्स्ट इज़ ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, नेक्स्ट इज़ ज़ू, ज़ू। सो किड्स, लास्ट वर्क इज़ ट्रेस एंड राइट। सो लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग लेटर सेट साउंड ज, लेटर सेट साउंड ज, letter Z sound Z, Z Z Z Z Z Z Z Z, letter Z sound Z, letter Z sound Z, letter Z sound Z। तो किड्स, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने हमने अपने काम को मुकम्मल किया। सो चले हम तस्वीर की तरफ वापस चलते हैं और अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी। व्हाट डज द पीपल, व्हाट डज द पिक्चर शो, पिक्चर जो है यहाँ पर हमें क्या शोज कर रही है, क्या दिखा रही है, पीछे पिक्चर हमें क्या दिखा रही है, ज़ू। वेल डन। विच एनिमल कैन बी सीन, हम इस ज़ू में कौन से एनिमल को देख रहे हैं, वेरी गुड, ज़ेब्रा को। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वेवी पाथ इन द पिक्चर कॉल्ड, इस पिक्चर में जो है वो वेवी सा एक हमें पार्ट दिखाई दे रहा है, टेढ़ा मेढ़ा सा, सो इस पाथ को क्या कहते हैं, वेल डन, ज़िगज़ैग। सो किड्स, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए। आपने इसी तरह इस बुक को खोलना और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बुक की रीडिंग करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।